এই যে দেখা হামনিকের ঘরে আজ মুরগি দিয়ান খাবই, কারজি কে তো গোটাই গোটাই রাইখে। बहुत देर गर्मी के बाद अभी हम लोग निकले हैं घर से। अभी 3 बज रहा है इसलिए थोड़ा सा हल्का सा, इतना ज़्यादा अभी धूप नहीं है इसलिए हम लोग घर से बाहर निकले हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं दिखने के लिए जीजाजी लोग का पौंड में जो है फिश मछली जहाँ पे रखा हुआ था, तो इसलिए छोड़ा हुआ है, मछली छोड़ा हुआ है, तो वहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की वजह से शायद कुछ मर तो नहीं गए हैं बोल करके हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं अभी फ़िलहाल इधर से। और बाबू और इनका मम्मी दोनों लोग जो है गंजी पहन करके अभी जा रहे हैं, अभी गर्मी ज़्यादा है इसीलिए, तो ये छाता अभी ले करके इनसे मम्मी को छाता मांग रहा है देखने के लिए। तो हम लोग देखेंगे अभी वहाँ पे मछली कोई मरा तो नहीं है, 4 किलो छोड़ा हुआ है इसीलिए वहाँ पे हम लोग देखने के लिए जाएंगे अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। और इधर देख सकते हो पूरा खेत सूखा हुआ है। सो गाइस ये वाला पॉन्ड है जहाँ पे हम लोग मछली उतनी छोड़े थे रात को, 4 केजी मीडियम साइज वाला था। सो इसीलिए जो है यहाँ पे शायद मछली तो नहीं मारेंगे क्योंकि यहाँ से पूरा पझरा वाला पानी निकलता है, तो थोड़ा ठंडा पानी है इसीलिए जो है लोग शायद बचे हुए होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ कुछ जो है ये पुटपुटी वगैरह सबको फेंका हुआ है यहाँ पे, ये पूरा जिक्र है। 5:30 बज चुका है अभी, यहाँ पे करंट मेरे को लगाना है क्योंकि इसको बार बार हमको शाम को लगाना पड़ता है, पे फट गया है तो इसलिए इसको रिपेयर करना होगा, इसलिए मैं टेप लेकर के आया हूँ, टेप और ये प्लस को लेकर के अभी मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, ठीक करने के बाद फिर से लगाएंगे। और इधर देख सकते हो अभी बहुत तेज हवा चल रहा है फिलहाल, और रास्ता का जितना भी धूल मिट्टी सब है पूरा ये घर के तरफ ही आ रहा है, इसीलिए खिड़की सबको बंद करके मैं रख देता हूँ। और अभी हमको यहाँ से लेकर के तार को जाना है और उसमें लगाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जंगल है इसी में पार हमको करना होता है। और रात को करंट जो है नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्मी था इसलिए ठीक से नहीं सो पाए थे, तो उम्मीद करते हैं कि आज करंट रहेगा, तो दिखते हैं। और इधर हमारा खिड़की सबको भी मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि धूल मिट्टी सब अभी यहाँ पर आ रहा है, घुस रहा है इसीलिए। और ये वेस्ट की तरफ से इतना तेज़ कभी कभी हवा चलता है कि डायरेक्टली जो है हम लोग का घर का टीना में पड़ता है, लेकिन अभी तक फिलहाल जो है कुछ नहीं हुआ है ऊपर वाला का आशीर्वाद से, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही बचा रहेगा हमारा घर। और बहुत जल्द इसको हम लोग हटाएंगे, तो इसीलिए कुछ दिन के लिए अभी हम लोग ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये तार को लगाता हूँ और तार को लगाने के बाद में देखते हैं करेंट है कि नहीं है, वो चेक कर लेंगे। तो ये देख लीजिए आज का शाम का बाजार, रात को हम लोग बाजार करके आए हैं अभी, और यहाँ पे देख सकते हैं आलू लेकर के आया हूँ उधर 5 किलो, और इधर है खीरा लेकर के आया हूँ, बोदी लेकर के आया हूँ, प्याज है, लहसुन है, और इधर भी है, और ये टमाटर लेकर के आया हूँ। तो एक हफ्ते का बाज़ार जो है आज ही करके लेकर के आया हूँ ये सारा चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जितना सका लास्ट बाज़ार में इसको उठा करके मैं लेकर के आया हूँ अभी। एक्चुअली रात हो चुका है शाम नहीं, तो और इधर मैं बाबू को खाना खिला रहा हूँ, और बाबू के लिए जो खाने के लिए यहाँ पे है वो है आपका दाल आलू और मछली, और इधर ये थोड़ा सो रहा है खा खा करके, एक्चुअली मोबाइल देख रहा था, लेकिन अभी जो इनको खाना खिला रहा हूँ इसलिए नहीं दिया हूँ खाने के लिए, तो ये मोबाइल देखने के लिए फिर से मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, और इधर जो है सब्जी हम लोग का पक रहा था, तो सब्जी ऑलरेडी हम लोग का हो गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं उधर मछली बनाया हुआ है, और अभी करंट तो है लेकिन बार बार चला जाता है इधर में। ये पम्पकिन का पड़ा 20 रुपया, ये 1 किलो 10 रुपया का है, और ये नींबू आम का पड़ गया है 20 रुपया का, 5 दिया है, और ये है आपका 10 रुपया का, मिर्चा है 20 रुपया का, वो बीन्स है 10 रुपया का, और इधर आलू है आपका 140 रुपया का, और उधर प्याज है, प्याज उधर रखा हुआ है, प्याज हमको पड़ गया 40 रुपया किलो, और लहसुन जो है वो 30 रुपया का लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो ये सब प्राइस है हम लोग का यहाँ पे, आप लोग भी बताइए आप लोग का वहाँ पे प्राइस कितना करके पड़ता है अभी फिलहाल। तो अभी यहाँ पे तो इतना ही है हम लोग का यहाँ पे, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा। हेलो गाइस,
ये देखा हमने के घर आज मुर्गी दी अन खाबोय कारजी के तो गोटाई गोटाई रही खे गोटाई गोटाई खाई आर एदिगे काटना सिखाता थे एदिगे मांस के कई थे मने डांगर डांगर पीस कई रहे।